नमस्कार सभी छात्राओं को। आज फिर हम मिल रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से कक्षा नौवीं विषय हिंदी और हमारा जो इकाई है सातवां हमारा काव्य है सूरदास के पद। एक पद सूरदास के पद पद लिखने वाला कवि सूरदास है। तो जन्म सन 1478 ईस्वी सन, निधन सन 1573 ईस्वी सन, इस प्रकार ए सूरदास के बारे में बताया है। सूरदास के पद मतलब यहाँ पद है। सूरदास ने हिंदी साहित्य क्षेत्र के अंतर्गत बेन ऐसे छात्राओं मैं आपको बता रही हूँ कि अनेक प्रकार के पद हमारे हिंदी साहित्य जगत के अंतर्गत सूरदास जी ने कृष्ण के वे सेवक बन जाते हैं। तो सूरदास जन्म से अंध जन्मांध है, विवादास्पद है। जन्म कहां पर है तो के दिल्ली के सिंह नामक गांव में। अनेक मत मतांतर भी है जन्म के बारे में भी। कोई कहता है कि मथुरा के रुकना अथवा रेणुका क्षेत्र में भी, रुकना अथवा रेणुका के क्षेत्र जो था वहीं पर भी हमारे सूरदास का जन्म हुआ है। अनेक मत मतांतर हिंदी जगत के अंतर्गत हमारे भक्तिकाल के कवियों में भी एक चर्चा का विषय। जन्म से अंध थे सूरदास को आप जानते हैं। किसी ने कोई आंखें गंवा दी हो तो हम कहते हैं सूरदास है। तो इस प्रकार ये सूरदास का एक पद है, यहाँ पर आज हम बता रहे थे। तो इस पद में खास तौर पर यहाँ पर दो पद दिए गए हैं। सूरदास जी ने दो पद दिए गए कृष्ण के प्रति अप्रतिम अद्वितीय भक्ति भावना। इस पद में पहला पद जो है दिखाई देता है, अपने आराध्य देव कृष्ण के सिवा और कोई नहीं है। कमल के समान जिनके नेत्र है वही कृष्ण भगवान के दर्शन कर वे अन्य कोई देवी देवताओं में वे ध्यान नहीं करते, वही हमारा सूरदास है। सूरदास ने कृष्ण को अपना आराध्य देव मान लिया है। अनेक जो देवी देवता है वही ध्यान करने के लिए योग्य नहीं है। इस प्रकार यहाँ पर वे प्रथम पद के अंतर्गत वे बता रहे हैं कि जहाज का पंछी जहाज पर से उड़ने के बाद फिर जहाज पर आता है तब उसे चैन मिलता है, उसी प्रकार हमारा सूरदास जी का भी वही है। चाहे कहीं पर जाए लेकिन आराध्य देव कृष्ण ही है, उसी प्रकार प्रथम पद में अपने आराध्य देव कृष्ण के बारे में लिखा है। दूसरे पद में कृष्ण के मनमोहक नयन रमणीय श्रृंगार रस से भरपूर वात्सल्य ऐसे बाल्यावस्था का वर्णन। दूसरे पद में छात्राओं आपने इस प्रकार ये जो कृष्ण का जन्म आठम आप सब जानते होंगे, तो उसी प्रकार इस प्रकार हम भाव से वही उत्सव को मनाए जाते हैं। तो यही उत्सव यहाँ पर हमारे जो सूरदास है उन्होंने तो कृष्ण के सिवा और देवी देवताओं में रस नहीं है, नवनीत से मुख पर लेप किया है, धूल से भरे हुए हैं, लटक रही है। इस प्रकार उनके जो बाल्यावस्था है उसी का वर्णन हमारे सूरदास ने। जन्म के बारे में भी मत मतांतर है। वल्लभाचार्य के वे गुरु थे, श्रीनाथ जी के मंदिर में हमारे जो सूरदास है ना उसने कृष्ण के अनेक पद भक्ति भाव से गाए। तो
आइए पहले हम एक गाने लायक है तो थोड़ा सा मैं इस प्रकार का गान करूं, आप भी मेरे साथ इस प्रकार गान मेरे साथ साथ ये जो पद है वो गाए। तो चलिए, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, ओ मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसी उड़ी जहाँ जक पंची, जैसे उड़ी जहाँ जक पंची, फिर जहाज पर आवे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, कमल नैन को छांडी महात्म और देव को ध्यावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, परम गंगा को छांडी पियासो दूरमति कूप खनावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जी मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों करिल फल भावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, सूर्यदास प्रभु कम देनु ताजी चेरी को न दुहावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, शोभित कर नवनीत लिए, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, घुटुरी न चलाना रेनु मंडित मुख द दिले परे किए, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पायो, चारु कपोल लोल लोचन, चारु कपोल लोल लोचन, गोराचन तिलक दिए, हो मेरो मन अनंत कहाँ सुख पाए, लटकानी मनोमता मधु पगानैव मादक मधु ही पिए, हो मेरो मन अनंत कहाँ सुख पायो, घंटूल कंठ ब्रज के हरि नाक रजत रुचि रहिए, हो मेरो मन अनंत कहाँ सुख पाए, धन्य सुरई को पलाई हीरे सुख का सत्कल्प जिए, हो मेरो मन अनंत कहाँ सुख पाए। तो ए हुई काव्य गान ए पद का हमने यहाँ पर इस प्रकार गायन किया। अब हम उसी के बारे में, दोनों पदों के बारे में अब हम देखें। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, अनंत अनंत मतलब अन्यत्र, अनंत अन्यत्र, मेरा मन अन्यत्र सुख नहीं मिलता, मेरे मन सुख मिलने वाला बीजा अन्य कोई स्थल नहीं है, दूसरा कोई स्थल नहीं है,
जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आई। जिस प्रकार जहाज का पंछी जहाज पर से उड़कर फिर वापस जहाज पर आता है, तब उसे सुख मिलता है, चैन मिलता है। उसी प्रकार छात्राओं, हमारे यहाँ पर जो हमारा सूरदास है, उसे भी तब चैन मिलता है, अन्य देवताओं में उसे रस नहीं। कमल नैन को छांडी महातम और देव को ध्यावे। कमल नैन कृष्ण की आंख जो है, नयन है, लोचन है, वो कैसे है? कमल के समान जिनकी आंख है उसे छोड़कर महातम, महातम छांडी मतलब त्याग कर, यहाँ पर छांडी छोड़कर अथवा त्यागना। महातम महिमा, महातम का महिमा और महिमा। देव को ध्यावे जिनकी आंख जो है, कमल के समान जिनकी आंख है, ऐसे कृष्ण को छोड़कर, ऐसे आराध्य देव को छोड़कर, इनका महिमा को देखकर अन्य देवताओं में मुझे ध्यान करने लायक नहीं है। अगर मैं ध्यान करूं तो मेरे आराध्य देव जिसके नेत्र जो है, नयन है, कमल के समान है, मैंने एक बार उसका दर्शन कर लिया तो मेरा जीवन धन्य हो गया है। यहाँ पर सूरदास पद में बता रहा है, परम गंगा को छांडी, परम गंगा, परम मतलब श्रेष्ठ, गंगा मतलब गंगा, छांडी छोड़कर पियासो, पियासो शब्द भी यहाँ पर दिया गया है, पियासो प्यासा, दुर्मति मूर्ख, कोप कुआ। तो यहाँ पर जिस प्रकार गंगा नदी को छोड़कर जो पवित्र नदी मानी जाती है, कुछ एक लोग ऐसे होते हैं गंगा को पवित्र मान गई है, इसमें स्नान करने से हमारे सभी प्रकार का पाप नष्ट होते हैं ऐसा माना जाता है, फिर भी जो मूर्ख लोग हैं वो क्या करते हैं? पियासो दुर्मति कुप खनावे, पियासो जिसे प्यासा लगे है वही आदमी दुर्मति, दुर्मति मतलब मूर्ख, दुर्मति का अर्थ क्या है? ऐसे मूर्ख आदमी कुप खनावे, कुआ खुदाते हैं। यहाँ पर बहने वाली जो पवित्र गंगा नदी है जिसमें स्नान करने से हमारा सभी प्रकार का जो पाप है वो नष्ट होता है, फिर भी ऐसे मूर्ख लोग प्यासा जो है वही कुप खुदाते हैं। यहाँ पर इस प्रकार के मूर्ख आदमी की बात भी यहाँ पर बताई गई है। जिही मधुकर अंबुज रस चाख्यो, क्यों करेल फल भावे। मधुकर, मधुकर मतलब भौरा, अंबुज कमल, कंटे कंटे कंटीला, करेल कंटीला, करेल का अर्थ कंटीला। यहाँ पर मधुकर जो भौरा है, अंबुज रस चाख्यो जो भौरा है उसे अंबुज कमल का रस चख लिया है, क्यों करेल फल भावे। एक कंटीला, करेल मतलब एक कंटीला फल है, वो वे उसका रस वे नहीं पीते, क्योंकि यहाँ पर कृष्ण रूपी भक्ति का जो रस, यहाँ पर कृष्ण भक्ति का जो अंबुज रस, कमल का रस जिसने चख लिया है वही ऐसे संसार के कष्टदायक संसार रूपी रस को वे चखते नहीं है। जिही मधुकर अंबुज रस चाखियो, क्यों करेल फल पावे। करेल फल जो कंटीला पौधा है उसका जो फल है वही वे नहीं, उसके रस का वे पान करते नहीं है। यहाँ पर भोरे की तरह जो मधुर रस है, मीठा भक्ति रस, एक ऐसा है कृष्ण की भक्ति का रस, जिसने इसका पान कर लिया वे दुनिया में और कोई रस का वे पान करते नहीं है। इस प्रकार सूरदास ने कहा है, सूरदास प्रभु काम धेनु तजी चेरी कौन दुहावे। सूरदास कहते हैं, हे ईश्वर, हे परम कृपालु परमात्मा, काम धेनु तजी, काम धेनु शब्द भी यहाँ पर दिया गया है, देवलोक कामधेनु
देवलोक स्वर्ग में जो एक कामधेनु है, एक गाय है, इच्छा पूरी करने वाली गाय है, शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए, जहां पर हमारी इच्छा पूरी होती है वही कामधेनु एक गाय है। सुरलोक में, देवलोक में, यहां पर देवलोक की बात बताइए। सुरदास प्रभु कामधेनी तजी, सुरदास कहते हैं कि देवलोक की जो गाय है, जहां पर हमारी प्रत्येक इच्छा पूर्ण होती है, जो भी हम इच्छा मन में आए वो करे और वही इच्छा पूर्ण हो तो उसे छोड़कर हमें चेरी कौन दुहावे। चेरी, चेरी मतलब बकरी, चेरी का अर्थ बकरी। ए स्वर्ग की गाय अच्छी है, जहां पर हमारी प्रत्येक इच्छा पूर्ण होती है, इस स्वर्ग की गाय हमारे लिए अच्छी है। फिर हम इस संसार में रहने वाली ये बकरी कौन दुहावे, वही दूध हमें अच्छा नहीं लगता। हमें तो स्वर्ग में, देवलोक में, इंद्र लोक में जो रहने वाली गाय है, जहां हमारी तमाम प्रकार की जो इच्छा है पूरी होती है, वही सुरदास कहते हैं वही अच्छी है, उसे छोड़कर मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं। ये चेरी कौन दुहावे, ए धरती की जो बकरी है उसे कोई दुहाने वाला नहीं है। तो यहां पर प्रथम पद के अंतर्गत सुरदास जी ने अपने आराध्य अनन्य भक्ति भावना, यहाँ पर भक्ति भावना का परिचय दिया गया है। उनकी दृष्टि में आराध्य देव कृष्ण के सिवा और कोई देव नहीं है। इस प्रकार यहाँ पर कृष्ण के दर्शन जिसने कर लिया है, उसका प्रत्येक क्षण धन्य हो जाए, इस प्रकार की बात हमारे ये पहले पद में सुरदास जी ने, हमारे जो कवि है, पहले पद में इस प्रकार आराध्य देव कृष्ण की बात बताई है। अब हमारा जो दूसरा पद है, देखिए, शोभित कर नवनीत लिए, शोभित मतलब सुंदर, सुशोभित, कर मतलब हाथ, नवनीत लिए, यहां पर नवनीत मक्खन क्या है हाथ में, क्या है शोभित कर नवनीत लिए, हमारा जो कन्हैया है ना कृष्ण, हाथ में मक्खन लिए खड़ा है, नवनीत लिए। कुटरीन चलन रेणु तन मंडित, कुटरीन, कुटरीन मतलब कुटन भर चलता है, चलन चलता है, रेणु, रेणु मतलब धूल, मंडित सुशोभित, धूल से भरा हुआ है, हाथ में मक्खन है, कुटन भर चलता है, सरे धूल से सुशोभित है, धूल से भरा है फिर भी मंडित है, सुशोभित दिखाई दे रहा है, सुंदर लग रहा है। मुख दधि लेप किए, मुख पर दधि दही अथवा मक्खन लेप किए है, इस प्रकार हमारा जो कन्हैया है मुख पर दही या नवनीत मतलब मक्खन का लेप किए है, पूरा शरीर धूल से भरे हुए है, इस प्रकार घुटन भर चलता हुआ दिखाई दे रहा है, फिर भी कितना सुंदर है, कितना मोहक है, उसका वर्णन यहाँ पर सुदास ने किया है। कुटरीन चलन रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए, कुटन भर चलता है, रेणु तन मंडित, तन मतलब शरीर, मंडित मतलब सुशोभित, रेणु मतलब धूल, धूल से भरा हुआ है, मुख दधि लेप, मुख पर दही का लेप किया है, चारु कपोल लोल लोचन, चारु, चारु मतलब यहाँ पर नहीं दिया गया है, लेकिन चारु का अर्थ सुंदर होता है, कपोल, कपोल मतलब यहाँ पर गाल, कपोल मतलब गाल, लोचन मतलब नेत्र, लोल मतलब चंचल, गोरोचन, गोरोचन पीला द्रव्य, एक प्रकार का मस्तक पर पीला द्रव्य किया है, कपोल सुंदर है, मस्तक पर, माथे पर गोरोचन तिलक किए हैं, आंख लोल है, चंचल है,
कपोल सुंदर है, गाल सुंदर है, आंख चंचल है, मस्तक पर गोरोचन का तिलक किया है। लट लटकनी मनुमत्त, लट लटकनी, लट काली काली लटक दोनों ओर लटक रही है। केस गुच्छ की बात यहाँ पर बता रही है कि घुंघराले बाल। लट लटकनी मनु, मनु मतलब मानो, लट लटकनी मनु, मनु मतलब मानो, क्या होता है? मधुप गन मादक, मधुप मतलब भौरा, मादक मतलब नशा युक्त, मधुप मतलब भौरा, मादक मतलब नशा युक्त। तो सिर के दोनों ओर लटक लटे झूल रही है, मस्त मधुबीकर मस्त हुए भौरे के समान ए लग रहे हैं। ए नशा युक्त हालत में जिस प्रकार हमारा भौरा है दिखाई दे रहा है, मस्त मधु पीकर, मस्त मधु ही, मधु ही मतलब यहाँ पर दिया गया है मध, मद का पान करने वाले मधु भौरा नशायुक्त हालत में किस प्रकार दिखाई देता है, इस प्रकार ए हमारा कृष्ण के दोनों ओर काले लटे लटक रही है। कंठूला कंठ, कंठूला बजर बटुकी, यहाँ पर कंठूला बजर बटुकी माला, कंठूला कंठ बजर बटुकी माला, ब्रज के हरिनक बजर बटुकी माला, ब्रज चांदियों की चौकी वाली क्या है? हृदय पर ब्रज के हरिनक, के हरिनक सिंह के नाखून, के हरिनक सिंह के नाखून के समान ए बजर बटुकी चांदियों की चौकी वाली ए हृदय पर एक माला पहनी हुई है। किसने? हमारे कृष्ण ने। रजित रुचि रहिए, रजित सुशोभित, रुचिर सुंदर, सुंदर लग रहे हैं। हृदय पर उसने क्या धारण किया है कृष्ण ने? तो के बजर बटू की चांदियों की चौकी वाली केहरी नक सिंह के नाखून वाली एक सुंदर माला पहनी हुई है। दोनों ओर काली लटक लट लटक रही है। जिस प्रकार मादक भौरा मधु पीकर जो मस्त दिखाई दे रहे हैं, उसी प्रकार हमारा कृष्ण भी इस प्रकार दिखाई दे रहा है। धन्य सूर्य इक्को पल, सूरदास कहते हैं धन्य इक्को पल, इक्को मतलब एक पल, यही यह एक पल जिसने कृष्ण का दर्शन किया हो तो धन्य होते हैं। धन्य सूर इक्को पल ही, एक पल में भी हमारा जीवन धन्य होता है। का सत कल्प जिए, का सत, सत मतलब सो, सत सो कल्प, एक कल्प बराबर 4,32,00,000 वर्ष की अवधि, एक कल्प बराबर 4,32,00,000 वर्ष की अवधि, सत मतलब सो। तो यहां पर सूरदास कहते हैं छात्राओं कि एक क्षण में, एक पल में हमारा जो जीवन धन्य हो जाता है, इतना सुख हमें मिलता है एक क्षण में, तो हम 100 कल्प जीने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां पर एक पल के लिए कृष्ण का जो सुख हमें मिले और हमारा जीवन धन्य हो, फिर हमें 100 कल्प जीने का कोई अर्थ नहीं, हम 100 कल्प जीने का कोई अर्थ नहीं है। एक पल में ही अगर कृष्ण का दर्शन, एक ही पल, इको पल ही सुख, इको पल ही सुख, एक पल में जो सुख मिलता है और हमारा जो सारा जीवन है वो धन्य होता है। सूरदास यहां दूसरे पद में कहते हैं कि एक पल में जो हमारा जीवन धन्य हो तो हमें 100 कल्प जीने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसी का कोई अर्थ नहीं। तो यहां पर दूसरे पद में कृष्ण की बाल्यावस्था मनमोहक वर्णन
हमने यहाँ पर देखा है कि बाल कृष्ण के स्वरूप का वर्णन कीजिए ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, तो बाल कृष्ण कैसे दिखाई दे रहे हैं उसी का वर्णन आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा ये काव्य पूरा होता है, तो ये बाल कृष्ण का वर्णन कीजिए ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो शरीर धूल से भरे हुए है, मुख पर मक्खन का लेप किया है, हैं सुंदर कपोल पर क्या है, कपोल सुंदर है, लोचन चंचल है, पीला मस्तक पर द्रव्य किया हुआ है, दोनों ओर काली लटक रही है, जिस प्रकार ए नशीला भौरा दिखाई दे रहा है उसी प्रकार मीठे रस का पान करके जिस प्रकार वे मस्त दिखाई दे रहा है उसी प्रकार हमारा एक कृष्ण दिखाई दे रहा है। और हृदय पर चांदियों की चौकी वाली बजरबटू की माला के हरी न सिंह के नाखून वाली जो डिजाइन वाली एक माला अपने हृदय पर धारण की हुई है, इस प्रकार यहाँ पर ए कृष्ण बाल कृष्ण का जो मनमोहक वर्णन है वही इस प्रकार हमारा कवि सुदास ने दिया है। प्रथम पद के अंतर्गत ये प्रश्न पूछा जाता है कि सुरदास की अनन्य भक्ति भावना प्रकट कीजिए। सुरदास की अनन्य भक्ति भावना अथवा सुरदास का किन उदाहरण द्वारा अनन्य भक्ति भावना प्रकट की है, कौन कौन से उदाहरण दिए हैं? तो यहाँ पर दिया गया है कि कमल के समान जिनके आंख है ऐसे कृष्ण को छोड़कर मैं कहीं जाने वाला कोई और देवी देवता का ध्यान करने के लिए तैयार नहीं है, परम गंगा के समान है, पवित्र गंगा के समान हमारा कृष्ण है, उसे छोड़कर मैं अन्य कोई कुक खुदाने वाला कोई सामान्य मनुष्य नहीं हूं। उसका जो अंबुज रस है, भक्ति रूपी अंबुज रस जिन्होंने चख लिया है उसे करी फल अच्छा नहीं लगता है। इस प्रकार यहाँ पर जो जो उदाहरण दिया गया है उसी का वर्णन करते करते आपको ये प्रश्न पूरा करना है। तो अब एक एक वाक्य वाले प्रश्न भी यहाँ पर भी जो भी प्रत्येक चैप्टर के अंतर्गत जो स्वाध्याय दिया गया है प्रश्न है, चाहे व्याकरण हो, ये सब कुछ आपको एक नोट्स के अंदर लिख लेना, क्योंकि परीक्षा में ये पूछा जाता है। तो यहाँ पर एक एक वाक्य वाले प्रश्न है, जहाज का पंछी जहाज से उड़कर फिर कहाँ आता है? तो के जहाज पर से उड़कर फिर वापिस कहाँ आता है? जहाज पर। दूसरा, सुरदास के मधुकर को करिल फल क्यों नहीं भाता? क्योंकि उसने कृष्ण भक्ति का अंबुज रस चख लिया है। किसने? तो के सुरदास ने, इसीलिए वे करिल फल उसे अच्छा नहीं लगता। बाल कृष्ण के मुख पर किसका लेप किया हुआ है? बाल कृष्ण के मुख पर किसका लेप है? नवनीत अथवा दधि का लेप, नवनीत मतलब मक्खन, दही मक्खन इत्यादि का लेप उनके मुख पर किया हुआ देख सकते हैं। सूर धन्य क्यों हुए? हमारा सूरदास धन्य हो गए हैं क्योंकि कृष्ण के दुर्लभ छवि का दर्शन उन्होंने कर लिया है, इसीलिए वे धन्य हो गए हैं। यहाँ पर सुरदास ने थोड़े से यहाँ पर तत्सम शब्द भी, तत्सम रूप भी दिए गए हैं। देखिए, अन्यत्र पंछी पक्षी महात्म महात्मय पियासो प्यासो दुर्मति दुर्मति लट केश गुफा मधुही मधु केहरी केसरी, ये तत्सम रूप। अब समानार्थी शब्द भी यहाँ पर है, पक्षी खग अंबुज, उसे हम क्या कहते हैं? अंबुज, अंबु मतलब जल, अंबुज
पानी में जन्म लेने वाला क्या है? कमल है, अंबुज। अंबु मतलब पानी, ज मतलब जन्म लेना, पानी में जन्म लेने वाला कौन है? अंबुज, कमल। कोप, कुआ, मधुकर, भ्रमर, भौरा, धेनु, गाय, चेरी, बकरी, नवनीत, मक्खन, लोचन, नयन, कंठ, गला, नख, नाखून। ये हमारे समानार्थी शब्द है। तो यहाँ पर अब हमारा एक काव्य पूर्ण करे इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा और विशेष जानकारी देने के लिए सूरदास के जीवन और साहित्य सृजन के बारे में विशेष जानकारी आपको जब भी समय मिले तब करना और उसके पदों का संग्रह भी आपको करना। जब जब आपको फुर्सत का समय मिले आपका जो स्वाध्याय के प्रश्न है वो तो करना ही है, लेकिन साथ साथ वही भी करना और थोड़ा सा सूरदास के पद का भी, चाहे गुजराती में हो चाहे हिंदी में हो, उसे एकत्रित करके उसका एक संग्रह बनाने का प्रयास करना। तो ये हुई यहाँ पर आपकी प्रवृत्ति। मैं आपको एक प्रवृत्ति देती हूँ, तो पदों का संग्रह करना है और सूरदास जी के जीवन और साहित्य सृजन के बारे में भी आप थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करना। बस यहाँ पर मैं अपना जो ये पद है सूरदास का पद, मैं यहाँ पर पूरा करता हूँ। अस्तु।